और ये चिकन अभी हम खाने जा रहे हैं। अभी मेरे हबी टेस्ट करके बताएंगे कैसा हुआ। चलो टेस्ट करो और बताओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंपल लाइफ देसी वाइब्स। और मैं हूँ आप सबकी चहेती मोमिता। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। बीच में थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, बट अभी फिर से मैं अभी ओके हूँ। और बहुत दिनों से फिर से नई ब्लॉग बनाया था, सॉरी फॉर दैट कि मैं थोड़ा बीच बीच में गैप ले रही हूँ। और अभी जैसे कि मेरे हस्बैंड भी आए हैं तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमने भी जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ब्लॉग डिसकंटिन्यूड हो रहा है। तो प्लीज़ बियर विद दैट। फिर से मैं आप लोगों के साथ हर रोज़ ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। तो अभी शाम से आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। और मैं शाम को इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई रेसिपी शेयर नहीं की है आप लोगों के साथ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये भी कहा कि आजकल आप रेसिपी नहीं शेयर करते हो, तो इसलिए सोचा कि चलो आज बना रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो रेसिपी को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें भी कहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस ब्लॉग को भी आज बनाने का सोची। क्योंकि कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि जैसे कि जितने भी मेरे अभी तक के सब्सक्राइबर हैं, मुझे सबको पता नहीं, मुझे सब नहीं पता है कि कौन मुझे सब्सक्राइब किया। आई डोंट नो ये सबको पता होते हैं कि नहीं, कि सभी को अपने अपने सब्सक्राइबर पता होते कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और मुझे जैसा लगा कि जैसे कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं जानती हूँ कि वो कौन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मुझे आज के बाद से वीडियो मेरा ना देखेंगे और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो प्लीज़ आप अपना नाम जो भी वीडियो आप देखेंगे उसमें कमेंट कर दीजिएगा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि मैं अपने नए नए जो भी सब्सक्राइबर आएंगे, मैं उनके नाम को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, ताकि हम दोनों में एक रिलेशनशिप बने और हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर से जाने। इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात कहनी है। और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसी तरह से हमारे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार देते रहिए मुझे। तो यही कहना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत ज़रूरी है ये बात, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। जो आज मैं जो आप लोगों के साथ बनाऊँगी वो है चिकन का रेसिपी। तो चिकन अभी जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है, और विंटर में थोड़ा सा धनिया का जो है फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा कि मेरे गार्डन में कितने धनिया हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक धनिया के साथ धनिया पत्ता के साथ एक चिकन का रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं इसको, और आप लोग इसको इंजॉय कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये ठंडे विंटर सीजन में अगर आप इसको रोटी के साथ, पूरी के साथ खाते हो तो ज़बरदस्त लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे गार्डन के फ्रेश धनिया और पुदीना, मिर्ची भी लिए हैं। अकॉर्डिंग टू आपको जितना तीखा खाना उस तरह से मिर्ची ले सकते हैं। अभी मैं इसको निकाल लूँगी और इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो मैं जस्ट पत्ते पत्ते ले रही हूँ, डंडिया फेंक दे रही हूँ। तो ये मैंने निकाल लिए हैं धनिया, पुदीना और मिर्ची, और इसका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी। धनिया और पुदीने के पेस्ट बन गए हैं, और मैं यहाँ पे अभी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। कसूरी मेथी, तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके इसको फिर मैं हाथ से थोड़ा सा मसल लूँगी और इसको फिर मैं चिकन में मिक्स कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, और चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं हाफ नींबू लूँगी और इसको निचोड़ लूँगी। और मैंने चिकन यहाँ पे 700 ग्राम लिए हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू आपको जितने चिकन है उस हिसाब से आप मसाला लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑफ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और साथ में मैंने जो धनिया पुदीने और मिर्ची के जो पेस्ट बनाए थे उसको भी मिला दिए हैं, और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर दिया डाला है, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और जो कसूरी मेथी का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो भी डाल दिए, और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और हल्दी में थोड़ा हाफ टेबल स्पून डाली हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 2 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तभी हम चिकन बनाएंगे, और चिकन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाली है, और 1 टेबल स्पून अब मैं बटर डाल रही हूँ। बटर डालने से बहुत अच्छा एक फ्लेवर टेस्ट आएगा, और साथ में मैं कुछ खड़े मसाले, जीरा और तेजपत्ता और मिर्ची, थोड़ा सा छोटा इलायची और लौंग डाल ली हूँ। अभी मैं ये कटे हुए प्याज को डालूँगी, और इसको फिर थोड़ी देर 1 to 2 मिनट्स इसको फ्राई करूँगी, और इसके बाद अभी मैं यहाँ पे आलू ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट जानते ही हैं कि बंगालीज को आलू कितने पसंद है, वो लोग सारे में डालते हैं, तो मैं जैसे भूल गई थी, पर मम्मी ने मुझे भी बोला कि थोड़ा आलू डाल दूँ, तो इसलिए मैंने आलू डाल दिए हैं, और उसको फिर थोड़ी देर और फ्राई करूँगी थोड़ा नमक और हल्दी डाल के। तो आलू और प्याज फ्राई हो गए हैं, अब मैं यहाँ पर मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल रही हूँ, और इसको फिर मैं 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम में इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। उसके बाद फिर से इसको मैं ढक के 5 मिनट्स के लिए फ्राई करूंगी हाई फ्लेम में, बट ढक के करना है, बीच बीच में आप इसको चलाते रहिएगा। तो 5 मिनट्स हो गए हैं ढक के, मैंने इसको फ्राई कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा देखिए पानी भी छोड़ दिया है, तो इस मोमेंट पे मैं अभी यहाँ पे बाकी के जो मसाले हैं वो भी डाल दूँगी। तभी मैं ये जो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा चिकन मसाला, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब डाल दूंगी, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं इसमें भी डाल दूंगी, और सब मसाले एकदम हल्के हल्के डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि फिर आपका जो मेन धनिया का फ्लेवर है वो नहीं आएगा, जैसा कि हम लोग नॉनवेज चिकन में डालते हैं, उतना मसाला नहीं डालना है, एकदम हल्का सा डालना है। और फिर इसको डाल के मैं फिर से इसको 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में ढक के कुक करूंगी। तो देखिए मैंने 10 मिनट्स हो गए हैं, और चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, तेल छोड़ चुका है, फ्राइड बहुत अच्छा से हो चुका है। तो अब इस स्टेज में अगर आप इस तरह से सूखा खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करके आप इसको 2-3 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम में इसको कर लीजिए, तो आपका चिकन बन जाएगा। बट हम थोड़ा सा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा पानी डाल के इसको मैं 5 मिनट्स के लिए फिर से मीडियम फ्लेम में कुक करूँगी। तो मेरा चिकन बन के रेडी हो गया, देखिए बहुत ही यम्मी लुक आ रहा है, रिच लुक आ रहा है, और साथ साथ थोड़ा ग्रीनरी, ग्रीन ग्रीन लुक आ रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और खाने में तो उतना ही अच्छा बना है। तो अभी मैं रोटी के साथ खा रही हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब अपना बनाती हूँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे ये टेस्ट बहुत अच्छा है, सभी को अच्छा लगा, सब हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। अभी देखिए मेरे हबी इसको खा के क्या बोलते हैं, तो उन्हीं के मुँह से इनका कमेंट्स सुनते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चलिए मैं इस ब्लॉग को अभी इसी के साथ एंड करती हूँ, और मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू स्माइलिंग ऑलवेज, वैसे नहीं, मुझसे बोलना पड़ेगा। सी यू सून, थैंक यू।